अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक और मज़े में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं लंच टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज लंच टाइम में मेरी मामा गोभी और गोश्त बनाएंगे साथ में कलेजी, और ये अभी पालक को वो साफ़ कर रही हैं। कुछ दिनों से हम घर पे नहीं थे, आप सबको ये बात पता है क्योंकि मैंने व्लॉग भी आप सबके साथ शेयर किया था। तो मामा ने फिर पालक को साफ़ नहीं किया, तो जैसे ही हम घर वापस आए तो सुबह हुई, तो मामा ने सोचा कि मैं पालक को साफ़ करूं, और शुक्र है ये ज़्यादा ख़राब नहीं हुए और बस थोड़े थोड़े ख़राब हुए हैं। और पालक जो है वो आप सबको पता है कि सिर्फ मेरी मामों को ही पसंद है, तो मामा इसको अच्छे तरीके से वॉश करके बॉईल करके और फ्रिज में रख देंगी। गोभी गोश्त की रेसिपी मैं अभी आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो इसमें सबसे पहले हाफ कप ऑयल ऐड किया और फिर 1 मीडियम कट अनियन ऐड किया और इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाया। फिर 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड किया और फिर इसके बाद अच्छे तरीके से 1 मिनट के लिए भून लिया। फिर इसमें टोमेटोज़ ऐड किए और गोश्त ऐड किया। मामा कह रही हैं कि बकरा ईद का गोश्त जो है वो बस जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम जो गोश्त लेते हैं बुचर शॉप से, तो मामा उनसे गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से कट करवाती हैं, सारा फैट जो है वो उनको कहती हैं कि आप रिमूव करें। लेकिन ये तो बकरा ईद का गोश्त था, तो ऐसा कुछ हमने नहीं किया और मामा को ख़ुद ही ये सब कुछ करना होता है। फिर हमने इसके बाद 1 टीस्पून के करीब सारा मसाला ऐड किया और सॉल्ट ऐड किया। फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको प्रेशर कुकर में गोश्त गलने तक पकाएंगे। साथ में कलेजी भी बन रही है क्योंकि आयान को जो है वो गोभी गोश्त नहीं पसंद, तो मामा उसके लिए बना रही हैं। और इसकी रेसिपी तो खैर मैं आप सबके साथ शेयर नहीं करूँगी। हमारा स्कूल जो है वो 1 सितंबर से ओपन हो गया। वैसे हमें लग रहा था कि 2 सितंबर से ओपन होगा, लेकिन फिर 1 सितंबर से हुआ। हमें ये था कि 1 मुहर्रम की छुट्टी होगी, लेकिन फिर वो सैटरडे को था, तो सैटरडे को हमें छुट्टी मिली और बस फिर हम गए संडे को स्कूल। खैर मेरा स्कूल तो ओपन नहीं हुआ, सिर्फ जूनियर्स का ही हुआ, यानी सिर्फ अयान गया, और अरहम का भी ओपन हो गया, मेरा नहीं हुआ अभी तक, शायद नेक्स्ट वीक ओपन होगा। अयान ने काफ़ी ज़िद की कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा जब तक अरहम नहीं आ जाता, क्योंकि फिर मैं भी स्कूल नहीं जा रही और वो अकेले जाएगा। उसने मामा से कहा कि अगर मेरा फ्रेंड भी जो है वो यहाँ पे होता तो मैं उसके साथ चला जाता, लेकिन वो भी पाकिस्तान गया हुआ है। और बस जो है वो सुबह के टाइम हमने नहीं लगवाया, हम बाबा के साथ ही जाते हैं और वापसी में फिर हम बस से आते हैं। अयान का वो बेस्ट फ्रेंड है, वो PS4 में भी गेम्स खेलते रहते हैं और एक ही स्कूल में है, एक ही सेक्शन में है। तो कल रात उसके फ्रेंड का मैसेज आया कि मैं पाकिस्तान से वापस आ गया हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और वो तो खैर कल स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि वो कह रहा था कि मैंने बुक्स अभी तक नहीं लिए, तो वो शायद नेक्स्ट डे चला जाए। अयान 2 दिन से स्कूल नहीं गया क्योंकि हम बाहर थे और बुक्स वगैरह भी हमने अयान के लिए नहीं लिए, और हम मंडे को वापस आए हैं, आई गेस मॉर्निंग में आए हैं, और फिर हमने इसके लिए बुक्स भी ले लिए और कुछ स्टेशनरी वगैरह घर पे पड़ी हुई थी। इंशाल्लाह रात को जो है वो हम बैक टू स्कूल शॉपिंग करेंगे। वो अरहम और मैंने बुक्स नहीं लिए क्योंकि हमने ग्रेड 8 में ही ले लिए थे, और ग्रेड 8 में जब हम बुक्स ले लेते हैं तो 3 साल यूज़ करते हैं, यानी 8 में भी यूज़ करते हैं, 9 में भी यूज़ करते हैं और 10 में भी यूज़ करते हैं। तो बस यही है क्योंकि हम ओ लेवल्स कर रहे हैं, एडेक्सल IGCSE, तो बस यही सिस्टम है। कभी कभार जो है वो ये लोग बुक्स भी चेंज कर लेते हैं, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर लेते हैं, फिर हमें वो न्यू बुक्स लेनी पड़ती हैं, और बुक्स भी जो है वो बहुत महंगी है, यानी कि एक बुक जो है उसकी प्राइस तकरीबन 250 दिरहम्स तक होगी, और अगर न्यू बुक आए तो पुरानी वाली बुक जो है वो फजूल हो जाती है, तो पेरेंट्स के लिए फिर थोड़ा बहुत मसला हो जाता है। तो मंडे को मैं व्लॉग बनाने वाली थी लेकिन हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, और जैसे ही हम वहाँ से आए सुबह का टाइम था तो हम स्कूल चले गए और अयान के लिए बुक्स ले लिए, और फिर वहाँ से आए तो डायरेक्ट स्टेशनरी शॉप चले गए और कुछ नोटबुक्स वगैरह लिए, रजिस्टर्स वगैरह, और यूनिफॉर्म भी लिया क्योंकि नोटबुक्स जो हैं वो हमें स्कूल में नहीं मिलती, हमें सेपरेट लेना पड़ता है।
तो जैसे ही मैं घर वापस आई तो मैंने अपने शेल्फ को पूरा साफ़ किया, जितने भी बुक्स थे जो यूज़ नहीं होते तो उन सबको हमने स्कूल के बाहर रख दिया था ताकि वो लोग रिसाइकल कर सकें। और जो अयान के बुक्स थे वो हमने किसी और को दे दिए थे क्योंकि उनको चाहिए थे। और बस फिर मैंने यही किया, और आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा शेल्फ जो है वो पूरा साफ़ हो गया और पूरा खाली हो गया, और अभी न्यू बुक्स जो है वो अयान की उसमें मैं रखूँगी। मंडे तो हमारा बहुत ज़्यादा बिजी रहा, ग्रोसरी भी घर पे ख़त्म हुई थी और हमने बुक्स वगैरह लेने थे, तो मामा अपने कामों में बिज़ी थी, मामा ने आयरन करना था, साथ में बहुत सारे काम जमा हुए पड़े थे, और बाबा अपने काम में बिज़ी थे, उन्होंने हमारी फ़ीस पे की। अयान ने मामा से कहा कि आपने मेरे लिए न्यू बैग दिलाना है, लेकिन फिर मामा ने उसको समझाया कि नहीं, ये यही वाला बैग यूज़ करो, क्योंकि फिर जब आप न्यू बैग लोगे तो पुराने वाले बैग का मैं क्या करूँगी, बस यही वाला यूज़ करो। तो फिर बहुत समझाने के बाद वो मान गया, और लंच बॉक्स तो वही यूज़ करेगा क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है, और बॉटल जो है वो उसने न्यू ले ली। बॉटल्स जो है वो हम थर्मस टाइप के ही यूज़ करते हैं क्योंकि आप सबको तो यहाँ का वेदर पता है कि बहुत गर्म होता है, और जब हम पानी जो है वो आम बॉटल्स में लेकर जाएं तो जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन जब थर्मस में लेकर जाएं तो वो ज़्यादा ठंडा होता है। और हम जो है वो प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ नहीं करते क्योंकि वो सेफ़ नहीं होते। स्कूल से हम पानी भी नहीं पीते क्योंकि हमें होता है कि वो पानी साफ़ होगा भी या नहीं, वो फ़िल्टर का पानी होता है, और बस फिर हम घर से ही लेकर जाते हैं और ज़्यादा बड़ी बॉटल्स यूज़ करते हैं ताकि हम एंड टाइम तक जो है वो हमारे पास पानी हो। तो ये देखें, गोश हमारा गल गया, तो इसमें हमने 1 टीस्पून के करीब क्रश कोरिएंडर ऐड किया, और 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, और फिर हम इसमें कॉलीफ्लावर ऐड करेंगे। और कॉलीफ्लावर को हमने पहले वॉश किया था अच्छे तरीके से, और फिर छोटे छोटे पीसेस में कट किया, और अभी इसमें ऐड कर रहे हैं। फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और इसमें हमने 2 ग्रीन चिलीज़ भी ऐड किए हैं, और फिर कॉलीफ्लावर नरम होने तक पकाएंगे। तो ये देखें, हमारी रेसिपी जो है वो तैयार है। हमने इसके ऊपर कोरिएंडर ऐड किया और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया। तो ये देखें, मेरा शेल्फ जो है वो पूरा खाली हो चुका है। मैंने आप सबके साथ शायद पहले शेयर किया था, मैं जब शेल्फ़ को साफ़ कर रही थी तो उस वक्त आपने देखा होगा कि शेल्फ बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, उसमें बहुत सारे बुक्स थे, लेकिन मैंने सारे निकाल के किसी को दे दिए और फिर स्कूल में भी रख दिए। तो ये है रात का टाइम, और हमारे घर पे जो है वो ग्रोसरी ख़त्म हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि हम मॉल जाएं और वहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह लेकर आएं। तो बस हम आगे हैं लूलू, और यहाँ से हम शॉपिंग करेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मॉल के बाहर जो है वो बहुत रश है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, और अंदर भी बहुत ज़्यादा रश था, सब लोग आए हुए थे और बैक टू स्कूल शॉपिंग कर रहे थे। तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। जैसे आप सबको पता है कि हमारे स्कूल्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं, और मेरा स्कूल जो है वो नेक्स्ट वीक से ओपन हो रहा है, तो मैं एक दिन छोड़ के जो है वो व्लॉग अपलोड नहीं कर पाऊँगी। मैंने बहुत सोचा, और मैं ग्रेड 10 में हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी और मेहनत करनी होगी ताकि मुझे जो है वो अच्छे मार्क्स मिल सके, और मैं फ़र्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर करूँगी। और व्लॉग्स बनाने में काफ़ी सारा टाइम जो है वो मेरा लग जाता है, तकरीबन 2 आवर्स तो लगते हैं। मैंने बहुत सोचा, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वीक में जो है वो एक दिन व्लॉग अपलोड करूं, क्योंकि मैं आप सबको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। आप सब मेरे व्लॉग्स को बहुत पसंद करते हैं, जब मैं आपके मैसेजेस पढ़ती हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप सब में एक फ़ैमिली है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं हर एक चीज़ आप सबके साथ शेयर करूं, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैं ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि एक आदत सी हो गई है, जहाँ मैं जाती हूँ आप सबको बताती हूँ, हर एक बात आप सबके साथ शेयर करती हूँ, जो मैं अपनी फ़ैमिली और फ्रेंड्स से कहती हूँ वो सारी बातें मैंने आप सबके साथ शेयर की हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैं ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बना पाऊँगी। एंड आई होप कि आप सब जो है वो इस सिचुएशन को समझ पा रहे होंगे और मुझसे नाराज़ नहीं होंगे। तो ये है अलवादा मॉल, और अलवादा मॉल में लुलू हाइपरमार्केट हम आए हैं। तो मैं एक सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जहाँ पे आप जाती हैं तो उस जगह का नाम हमें ज़रूर बताया करें। अभी बस मैं अपने ब्लॉग को एंड करने वाली हूँ, और उससे पहले मैं आप सबके नाम लूँगी। तो सबसे पहला नाम है समरीन आलम, हलीमा, आरफा अमीन, बिलाल बिलाल की आईडी से एक मेरी व्यूवर है, अजरीन खान, साबिया खान, अस्मा भट, बिलाल, प्रिया, जैनब साजिद, इरम इमरान, अर्शी रिजवान, नेहा अर्श, सैयदा आफरीन, समीना खालिद,
और लाइबा कुरैशी के लिए आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक इनकी प्रॉब्लम्स को जल्द सॉल्व करे। तो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनकी कैट नशवा के लिए दुआ करूं, तो आप सब उनकी क्यूटी कैट के लिए ज़रूर दुआ करें, क्योंकि मैं इस बात को समझ सकती हूं। मेरा भी एक बर्ड था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन वो मुझसे फ्लाई हो गया और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि वो मुझे छोड़ के चला गया, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता था, ब्लू कलर का था। और मैं ये सिचुएशन जो है वो समझ सकती हूँ। अल्लाह पाक आपकी कैट को जल्द से सेहतयाब करे। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई शोर या आवाज़ सुनाई दे तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि अयान जो है वो PS4 पे गेम्स खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ और काफ़ी हंस रहा है और काफ़ी शोर मचा रहा है। तो पहले तो उसको नींद आ रही थी जब वो स्कूल से आया था, लेकिन जैसे ही वो PS4 उसने टर्न ऑन किया तो वो बिल्कुल एक्टिव हो गया। मामा कह रही हैं कि अच्छा है ये अपने दोस्तों के साथ अभी खेल रहा है, वरना अगर ये सो जाता तो ये रात को फिर ना सोता। और मामा जो है वो अयान को जल्दी सुला लेती हैं, तकरीबन 8 o'clock तक तो वो सो जाता है, क्योंकि अगर ये रात को लेट सोए तो सुबह उठने में बहुत ही प्रॉब्लम करता है, बहुत ही चीखता है, कहता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे नींद आ रही है। तो इस वजह से मामा उसको जल्दी सुला लेती हैं। और ये हम घर वापस आ गए हैं और ये हमने ग्रोसरी शॉपिंग की है और ये कुछ चीज़ें वगैरह लेकर आए हैं। तो हम डिटर्जेंट लेकर आए हैं साथ में, ऑयल, शुगर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे घर पे फिनिश थी। और अयान के लिए नगेट्स लेकर आई हैं, और अरहम और अयान को नगेट्स बहुत पसंद है और स्कूल ये बहुत शौक से लेकर जाते हैं और बहुत पसंद है इनको, लेकिन मैं नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद। और मामा मुझे लंच में ब्रेड पिज़्ज़ा देती हैं और कभी शामी कबाब, कटलेट्स, तो ये सब कुछ मैं खाती हूँ। कभी कभार मैं फ्रूट्स भी लेकर जाती हूँ, और एप्पल मुझे फ्रूट्स में नहीं पसंद, बाकी सारे फ्रूट्स मैं लेकर जाती हूँ। और मैं ग्रोसरी से कभी कभार चॉकलेट क्रोसेंट्स लेती हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद है, और साथ में चॉकलेट मिल्क। तो किसी का कमेंट आया था कि आप बटर कौन सा यूज़ करती हैं, तो हम ये वाला ब्रांड का बटर यूज़ करते हैं। और मैं कभी कभार गार्लिक ब्रेड भी लेकर जाती हूँ, और ये न्यूटेला वगैरह ये सब कुछ नहीं लेकर जाती, सॉसेजेस, क्योंकि ये अनहेल्दी होते हैं और पसंद ही नहीं है मुझे। चावल और मसाले ये सब कुछ हमारे घर पे अवेलेबल थे, लेकिन ग्रीन कार्डमम ख़त्म हो चुके थे। और बाबा को ये होता है कि ग्रीन कार्डमम्स जब लें तो अंदर ब्लैक सीड्स होने चाहिए, वाइट नहीं होने चाहिए। तो मामा जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो ग्रीन कार्डमम्स होते हैं वही लेकर आती हैं, ताकि सारे सीड्स जो हैं वो ब्लैक हों। एक बार क्या हुआ कि मामा कहीं और से लेकर आई थी और ग्रीन कार्डमम, तो बाबा वो खाते हैं, तो बाबा ने चेक किया तो अंदर सारे वाइट सीड्स थे। तो बाबा ने मामा को दिखाया कि ये देखें, ये वाइट सीड्स हैं इसमें, आप जब लेकर आएँ तो ब्लैक सीड्स वाले ही कार्डमम लेकर आया करें। तो मामा की यही कोशिश होती है कि ग्रीन कार्डमम्स में के अंदर ब्लैक सीड्स ही होने चाहिए। और अभी मामा तो एक एक ग्रीन कार्डमम जो है वो खोल के चेक तो नहीं कर सकती, बस जो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं तो वो लेकर आती हैं। तो ये देखें, ये है अयान का बॉटल, तो अयान ने मार्वल का लिया है, क्योंकि उसका लंच बॉक्स और बैग दोनों मार्वल के हैं, तो उसको ये था कि मैं बॉटल भी जो है वो मार्वल का ही लूँ। और ये थर्मस टाइप है, लंच बॉक्स जो है वो हम एक टाइप का नहीं लेकर जाते, हम हमेशा चेंज करते हैं। और एक दफ़ा क्या हुआ कि मामा जो है वो पाकिस्तान चली गई थी 1 महीने के लिए, तो बाबा हमारे लिए लंच बॉक्स रेडी किया करते थे, तो बस बाबा हमें लंच बॉक्स में कभी कभार जाम देते थे तो कभी न्यूटेला ब्रेड, क्योंकि ये उनके लिए इजी रहता था, क्योंकि जेंट्स के लिए वो तो और कुछ नहीं बना सकते, बस जो रेडीमेड चीज़ें हैं वही देते थे। और फिर बस हम वो खाते रहे, और आज तक मैंने फिर जैम को टच नहीं किया, क्योंकि बहुत खा चुकी थी मैं। हम में से किसी को भी जैम खाना नहीं पसंद, हम सब का दिल भर आया उससे। और मैं कभी कभार अपना लंच बॉक्स जो है वो किसी और को दे देती थी। मामा ने अयान के लिए लंच बॉक्स रेडी कर लिया है, और मामा को ये नहीं पता था कि इसमें कैमल शेप का भी नगेट होगा, वो सोच रही थी कि स्माइली फेस या स्टार फिश का कोई नगेट है। और फिर मामा ने अयान को आवाज़ दी, फिर अयान किचन में आया, मामा ने उसको दिखाया कि देखो मैं लंच बॉक्स में आपके लिए मैंने ये कैमल के नगेट्स रखे हैं। मामा को ये था कि ऐसा ना हो कि अयान ना खाए क्योंकि कैमल है, क्योंकि मोस्टली जो हम नगेट्स लेकर आते हैं तो उनमें स्टार फिश के नगेट्स होते हैं और बहुत सारे फिश, ये सब कुछ, लेकिन कैमल का नगेट जो है वो हम पहली बार देख रहे हैं।
तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग्स जो है वो मैं वीक में 2 दफ़ा बनाऊँ। जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं व्लॉग ज़रूर बनाया करूँगी, और आप सब ने मेरा साथ जो है वो ज़रूर देना, और ऐसा ना हो कि आप सब मुझे भूल जाएं। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मुझे भी बताएं कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।